हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीनोमियल चैप्टर। इसमें एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था आपका, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब क्या है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलीनोमियल, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलीनोमियल्स। इस पे पहली थ्योरम जो हम देखेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। देखो, इसमें बेसिकली तीन थ्योरम्स हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट वन रिमाइंडर थ्योरम, सेकंड वन फैक्टर थ्योरम, एंड थर्ड डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल्स। ये तीनों चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करनी हैं, इन पर क्वेश्चंस करने हैं। और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन सब चीज़ों में वो पार्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, वो सब चीज़ें वापस इसमें काम आएगी। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अगर आपको कोई भी पॉलीनोमियल दिया जाए जिसकी डिग्री वन या वन से ज़्यादा है, और इसको आप किसी लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए लीनियर पॉलीनोमियल मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स माइनस है। ये इसमें मेन कंडीशन है कि पॉलीनोमियल जो है ना वो लीनियर होना चाहिए, जो डिवाइजर है वो लीनियर होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर डिवाइजर के लिए ही एप्लीकेबल होती है। अगर यहाँ पे डिवाइजर क्वाड्रेटिक होता, क्यूबिक होता, तो हम रिमाइंडर थ्योरम को नहीं लगाते। रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होती है जब डिवाइजर कैसा हो, लीनियर हो। तो हम समझ रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो मान लीजिए आपको कोई पॉलीनोमियल पी एक्स दिया जाता है और आपको उसको एक लीनियर पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है, और इसके बाद आपको रिमाइंडर चाहिए डिवाइड करने पे, जो रिमाइंडर मिलता है वो आपको चाहिए। तो इस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम काम में लेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहाँ पे, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जबकि किसी एक पॉलीनोमियल को एक लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड किया जाता है। सही है। अच्छा, तो ये रिमाइंडर थ्योरम, अब इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि रिमाइंडर थ्योरम को कहाँ काम में लेने वाला है, इसको काम में कैसे लेते हैं वो देखो। आपको जब पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स माइनस ए बराबर जीरो करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा ना बाई रिमाइंडर थ्योरम, वह क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर किसी पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री वन या वन से ज़्यादा है पी एक्स, उसको आप किसी लीनियर पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा, पी ऑफ ए होगा। जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा, पी ऑफ ए होगा। सही है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको किसी पॉलीनोमियल पी एक्स को एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस थ्री से, और आपको रिमाइंडर चाहिए, तो आप सिंपली क्या करने वाले हैं, इस एक्स प्लस थ्री को जीरो के बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, माइनस थ्री, और इस वैल्यू को आप पॉलीनोमियल के अंदर पुट कर दो, तो रिमाइंडर जो आएगा आपका वो कितना आएगा, पी ऑफ माइनस थ्री। क्लियर। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि किसी पॉलीनोमियल पी एक्स को टू एक्स माइनस वन से डिवाइड किया गया है, बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, हम क्या करेंगे, टू एक्स माइनस वन को जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वन बाई टू, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पी ऑफ वन बाई टू, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। पी ऑफ वन बाई टू निकालना हमने आता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि पी ऑफ एक्स क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलीनोमियल की वैल्यू। जैसे पी ऑफ हाफ है तो एक्स की जगह हाफ रखने पे जो पॉलीनोमियल की वैल्यू आएगी उसे ये शो करता है, पी ऑफ वन बाई टू। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल, पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल्स टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर। मान लीजिए पी एक्स कोई पॉलीनोमियल है और ए कोई रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए
देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए, देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। क्लियर है बात? क्वेश्चन करते हैं इस पर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। सही है? अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको यहाँ से रिमाइंडर निकालना है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि भाई पी एक्स को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स प्लस वन से, और एक्स प्लस वन कैसा है, एक लीनियर डिवाइजर है क्या? तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, इस एक्स की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, पी ऑफ माइनस वन। तो माइनस वन पावर फोर माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, तो वन माइनस थ्री प्लस वन दैट इज माइनस वन, तो रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस वन आ गया। सही है? तो इस टाइप से हम रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन एक राइज होता है दिमाग में कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम x माइनस ए को जीरो पुट क्यों कर रहे हैं, हम x प्लस वन को जीरो पुट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? तो इसका प्रूफ देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, अप्लाई करना हमने सीख लिया, अब देखते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसको आपने x माइनस ए से डिवाइड किया, हमें नहीं पता कितने टाइम्स डिवाइड होता है, हम मान लेते हैं क्यू एक्स टाइम डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना है, पी ऑफ ए, सॉरी रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, तो प्रूफ ही करना है हमें। आपने किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया, क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन तो अप्लाई कर ही नहीं रहे यहाँ पे, हमने ऐसा तो है नहीं कि डिवाइड किया है, नहीं किया तो हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, हमने मान लिया क्वेश्चन कितना है क्यू एक्स, तो रिमाइंडर क्या है आर। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर मैंने यहाँ पे एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने ऐसा नहीं लिखा आर एक्स, मैंने इसको सिंपली क्या लिखा है, एक कॉन्स्टेंट लिखा है आर। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, वन है, और जब हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करते हैं तो एक चीज़ हमें पता है कि जो डिवाइजर जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम आती है। ज़रा सोचिए, अगर ये वन डिग्री का होता, मान लो ये एक्स प्लस वन होता, तो क्या आप इसको फिर से डिवाइड नहीं कर देते? मान लीजिए टू डिग्री का होता, तो क्या आप इसको फिर से डिवाइड नहीं कर देते? इसलिए हमें पता है कि इसकी डिग्री हमेशा इससे कम होगी, और इसकी डिग्री वन है तो इसकी डिग्री तो कितनी रहेगी, जीरो। तो ये हमने मान लिया रिमाइंडर आर है। अब एक्चुअल में ये चीज़ हमें पता है, रिमाइंडर हमें चाहिए, एक्स माइनस ए हमें पता है, ये क्यू एक्स जो है ना वो हमारे लिए अननोन है, क्योंकि हमने डिवाइड नहीं किया, हमें नहीं पता क्यू एक्स क्या है, और हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि क्यू एक्स तो जीरो कर नहीं सकते ना, क्योंकि इसको तो हम जानते नहीं हैं, तो हमारी कोशिश है कि इसके साथ वाली टर्म जीरो हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए बराबर जीरो करते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए पुट एक्स इक्वल्स टू ए, जब एक्स की वैल्यू ए पुट करोगे तो पी ऑफ ए बराबर ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, ये जीरो में चला जाएगा, तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई आर, यही रिमाइंडर थ्योरम है। सही है? अब आप इसे अप्लाई करो, चाहे डिवीजन, ऐसा नहीं है कि अगर लीनियर है तो फिर आप डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लगा सकते, आप लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, आप इसी क्वेश्चन को अगर डिवीजन से करते तो यहाँ था x पावर 4 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको किससे डिवाइड करना था, x प्लस वन से, x की पावर 3, x पावर 4 और प्लस x पावर 3, ऐसे करते हैं, फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा माइनस x पावर 3, ये टर्म नीचे आ जाएगी, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब डिवाइड होगा कितने टाइम्स, माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो
तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से साइन चेंज तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर से डिवाइड करेंगे अगर इसको तो माइनस टू टाइम्स माइनस टू एक्स टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन तो पहले से था, आप क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये कैंसिल, अब क्या बचा टू एक्स प्लस वन, अब टू टाइम्स डिवाइड हो जाएगा कितना आ गया टू एक्स प्लस टू, कितना आया माइनस वन। तो आंसर दोनों केस में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, लेकिन उस मेथड में हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और चलो ये तो अच्छा था कि चार डिग्री का था, आगे इसकी जगह टेन डिग्री का होता, ट्वेल्व डिग्री का होता, फिफ्टीन डिग्री का होता तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो इसलिए बेटर है अगर लीनियर डिवाइजर है तो आप सिंपली क्या अप्लाई करें रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए इस पर और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स थ्री माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, सेकेंड हमें निकालना है एक्स माइनस टू एंड थर्ड हमें फाइंड करना है वन माइनस टू एक्स। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और आपको इसको अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड करके, अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जो डिवाइजर मैंने दिए हैं आपको इस क्वेश्चन में वो सारे कैसे हैं लीनियर है, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वन बराबर जीरो कर दें, एक्स की वैल्यू क्या रही है माइनस वन, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा पी ऑफ माइनस वन, इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा पी ऑफ माइनस वन। अब एक्स की जगह माइनस वन रख दो इसमें, माइनस वन पावर थ्री माइनस वन पावर टू माइनस वन प्लस टू, तो माइनस वन माइनस एट माइनस फोर प्लस टू, आंसर कितना जाएगा माइनस इलेवन, तो रिमाइंडर इज माइनस इलेवन। सेकेंड क्वेश्चन देखें, आपको एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है तो आप इसको एक बार जीरो के बराबर कर दें, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है टू। अब आपको अगर रिमाइंडर चाहिए तो आप क्या करें एक्स की जगह टू रख दें इसमें, रिमाइंडर क्या हो जाएगा पी ऑफ टू, रिमाइंडर कितना हो जाएगा पी ऑफ टू। पी ऑफ टू निकाल लेते हैं, टू की पावर थ्री माइनस एट, टू की पावर टू प्लस फोर इंटू टू प्लस टू, एट माइनस थर्टी टू प्लस एट प्लस टू, तो यहाँ से कितना गया ये एटीन माइनस थर्टी टू दैट मीन्स माइनस फोर्टीन, तो रिमाइंडर कितना गया माइनस फोर्टीन। ऐसे थर्ड क्वेश्चन जो है वन माइनस टू एक्स बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से वन बाई टू, रिमाइंडर कितना आ जाएगा पी ऑफ वन बाई टू, एक्स की जगह क्या रख दें इसमें वन बाई टू, तो वन बाई एट माइनस एट बाई फोर प्लस टू प्लस टू, कितना गया यहाँ से ये भी टू आ जाएगा, तो टू से टू कैंसिल, वन बाई एट प्लस टू सेवनटीन बाई एट, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो कितना जाएगा यहाँ से सेवनटीन बाई एट। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जिसमें बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकालना है। नेक्स्ट, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स पावर 51 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। रिमाइंडर फाइंड कीजिए जबकि एक्स पावर 51 प्लस 4 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है। अब देखिए
तरीका वापस से वही है, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, x पावर 51 प्लस 4 से ना, पी एक्स कितना है आपका, x पावर 51 प्लस 4, और डिवाइड किससे करना है आपको, x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, ये इसमें पुट कर दो, तो p ऑफ माइनस 1 इज रिमाइंडर माइनस 1 पावर 51 प्लस 4, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस 4, आंसर कितना आ गया 3, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स बराबर ए एक्स पावर 4 प्लस 8x प्लस 3 एंड क्यू एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस ए प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 लिव सेम रिमाइंडर। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो दो पॉलिनोमियल है आपके पास, एक पी एक्स और एक क्यू एक्स, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब x माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है तो आपको रिमाइंडर दोनों केस में क्या मिलता है, सेम मिलता है। क्वेश्चन में है इफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव्स द सेम रिमाइंडर। जब आपने पी एक्स को x माइनस 2 से डिवाइड किया तब जो रिमाइंडर आया और क्यू एक्स को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया, दोनों आपस में इक्वल हैं, ये आपको गिवन है, तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए तरीका क्या होगा, वापस से वही, हम दोनों केस में रिमाइंडर निकाल लें रिमाइंडर थ्योरम से और उनको बराबर कर दें। व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 देन रिमाइंडर इज, तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आर वन मान लेते हैं, आर वन किसके बराबर हो जाएगा, पी टू के, क्योंकि जब आप x माइनस 2 को बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, 2, तो r1 कितना हो जाएगा, p2 निकालने के लिए क्या करें, इस px में x की जगह 2 रख दें, क्लियर, तो 16a प्लस 16 प्लस 3 या 16a प्लस 19 ये किसकी वैल्यू है, आर वन की। व्हेन क्यू एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 देन रिमाइंडर इज आर टू मान लेते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू टू के, इस क्यू एक्स में एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दें, 2, जब आप इसमें 2 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4a इंटू 2 प्लस a प्लस 1, तो कितना मिल गया यहाँ से, माइनस 12 प्लस 9a प्लस 1, कहने का मतलब 9a माइनस 11, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, r2 की। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि r1 और r2 दोनों सेम है, दोनों को इक्वल कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर वन बराबर आर टू, तो 16a प्लस 19 बराबर 9a माइनस 11, तो 7a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 30, ये इधर आ जाएगा तो 7 बचेगा और इधर चला जाएगा तो माइनस 19, तो माइनस 30 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस 30 बाई 7, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 30/7, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 3x² - 3 एंड 2x³ - 5x + a व्हेन डिवाइडेड बाय x - 4 लीव्स रिमाइंडर r1 and r2. फाइंड वैल्यू ऑफ a इफ 2r1 - r2 = 0। फाइंड वैल्यू ऑफ a इफ 2r1 - r2 = 0। अब देखिए ध्यान से, आपको दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है, सॉरी दो पॉलिनोमियल अलग अलग, और दोनों को जब आप x माइनस फोर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स जो आते हैं वो r1 और r2 हैं। जब आपने पहले पॉलिनोमियल को x माइनस फोर से डिवाइड किया तो r1 आता है, जब इसको डिवाइड करते हो x माइनस फोर से तो r2 आता है, और r1 r2 में एक रिलेशन आपको और दे रखा है, आपसे बोला है कि a की वैल्यू क्या होगी। चलो सीखते हैं, तरीका वापस से वही है। सबसे पहले इसको डिवाइड करके x माइनस फोर से r1 निकाल लो, और उसके लिए क्या करें, x की जगह 4 रख दें। भाई डिवाइजर x माइनस फोर है ना, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो मान लो पहला पॉलिनोमियल px जो है, इसको px नाम दे देता हूँ मैं ना, तो रिमाइंडर r1 कितना जाएगा, p ऑफ 4। रिमाइंडर r1 कितना जाएगा, p ऑफ 4। x की जगह 4 रख दो इसमें, कितना गया यहाँ से, 64a + 48 - 3 या 64a + 45। ठीक है, r2 निकालने के लिए क्या करें, सेकंड पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रख दें, पहले उसको नाम दे देते हैं qx, (2x³ - 5x + a) तो r2 कितना जाएगा, q4, 2 × 4³ - 5 × 4 + a, कितना गया ये, 128 - 20 + a या 108 + a, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, r2 की। तो जब आपने सेकंड पॉलिनोमियल में x की जगह 4 रखा तो आपको क्या मिल गया, r2, जब फर्स्ट वाले में रखा तो क्या मिल गया, r1। गिवन दैट 2r1 - r2 = 0, तो r1 की जगह क्या रखें, 64a + 45 माइनस r2 की जगह क्या लिखें, 108 + a = 0, 128a + 90 - 108 - a, तो 127a = 18, a की वैल्यू क्या आ गई, 18/127, दैट इज करेक्ट आंसर। सही है, तो इस टाइप से रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। सही है, रिमाइंडर फाइंड करने के कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे आते हैं हमारे पास जिसमें रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम काम में लेते हैं। चलो सीखते हैं कैसे करते हैं ना। एक क्वेश्चन लिखें,
फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स पावर 51 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है एक्स पावर 51 प्लस 1, और इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि डिवाइडर जो है ना वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको बराबर जीरो करके एक्स की दो वैल्यू निकाल के दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं और बोलते हैं सर देखो दोनों आंसर है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही डिवीजन के दो डिफरेंट आंसर पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने ये जो किया वो रिमाइंडर थ्योरम है जो हम यहाँ नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखे, हमें पॉलिनोमियल एक्स पावर 51 प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। हमें नहीं पता क्वेश्चन क्या है, क्योंकि डिवाइड तो हम करेंगे नहीं, और डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इस रिमाइंडर के बारे में जो कि आपको चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक की डिग्री, इसकी डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 है। अब डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम होगी, ऐसा हमने देखा है अभी। रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 2 से तो कम होगी। अब रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम होगी तो या तो 1 होगी या फिर 0 हो सकती है। भाई 2 से कम होगी तो क्या होगी, या तो डिग्री 1 होगी या फिर इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मान लेते हैं। अगर मान लो इसकी डिग्री 0 होनी होगी तो a कितना आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करने पे 0 आ जाएगा। तो हमने मान लिया रिमाइंडर कितना है, ए एक्स प्लस बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको यही करना है, लेट रिमाइंडर इज ए एक्स प्लस बी, सही है। अब रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी है तो हम बाई डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, अभी हमने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ते आए हैं कि अगर ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चेंट है और ये रिमाइंडर है। इसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। ये पॉलिनोमियल के लिए भी सेम होती है, पॉलिनोमियल के लिए भी चलता है सब, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अब इसके लिए हम क्या लिखें, यहाँ पे डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सही है। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, एक्स पावर 51 प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 इनटू एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब आपका टारगेट है रिमाइंडर फाइंड करना, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करना, सही है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ क्या है यहाँ पे भी आपके पास, ये क्यू एक्स। सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ क्या है, ये क्यू एक्स, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता। तो हमारा टारगेट वापस ये है कि क्यू एक्स के साथ वाली टर्म जीरो हो जाए। तो ये जीरो कब कब होगी, जब एक बार आप एक्स की जगह 1 रखो, एक बार x की जगह माइनस 1 रखो। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1, जब 1 रखोगे तो पूरे में 1 रखोगे, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। ये 0 हो जाएगा 1 रखने पे पूरा, और वो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी। तो आपको एक इक्वेशन क्या मिल गई, a प्लस बी बराबर 2। अच्छा, एक बार आप क्या रख सकते हैं, माइनस 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि माइनस 1 पे भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरे को 0 कर देगा। 8x इक्वल्स टू माइनस 1, जब माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 पावर 51 प्लस 1 बराबर 0 प्लस माइनस ए प्लस बी, सही है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, 0 बराबर माइनस ए प्लस बी, मतलब a बराबर बी, a बराबर बी। अब यहाँ से a प्लस बी बराबर 2 था, यहाँ से a बराबर बी है, दोनों को सिंप्लीफाई करके a और b निकाल सकते हैं क्या,
फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ए बराबर बी बराबर वन, सही है। अब ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हेंस रिमाइंडर इज ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस वन। हमने क्या किया, ए की जगह भी वन रख दिया, एक्स की जगह भी वन रख दिया, सॉरी बी की जगह भी वन रख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप रिमाइंडर मान लो, है ना। अब हो सकता है इसमें आपको कभी कभी डिग्री थ्री भी दे दे, डिवाइजर की डिग्री थ्री भी दे दे। अगर डिवाइजर की डिग्री थ्री दे दे तो फिर आप क्या करेंगे उस केस में, रिमाइंडर की डिग्री टू मान लेंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिमाइंडर मान लेंगे और वापस से डिवीजन एल्गोरिथम लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। व्हेन अ पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, व्हेन अ पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री लिव्स रिमाइंडर फाइव, लिव्स रिमाइंडर फाइव, एंड व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फाइव लिव्स रिमाइंडर थ्री, लिव्स रिमाइंडर थ्री। फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि किसी पॉलीनोमियल पी एक्स को जब आप एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है फाइव। सेम इसी पॉलीनोमियल पी एक्स को जब आप एक्स माइनस फाइव से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है आपको थ्री। अब आप अगर इस पॉलीनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। बट एक चीज़ देखो, अगर आप x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये 5 जो था वो किसके बराबर होना चाहिए, p ऑफ 3 के। ये जो रिमाइंडर था वो किसके बराबर होना चाहिए था, p ऑफ 3 के। ऐसे जब आप x माइनस फाइव से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, p ऑफ 5 के। तो ये 3 किसके इक्वल होगा, p ऑफ 5 के। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी हमारा सेम रहेगा। एक्चुअली हमें जिस पॉलीनोमियल पी एक्स को डिवाइड करना है वो किससे करता है, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव से। और ये पॉलीनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक है क्या, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को कुछ मान के रिमाइंडर को क्या मान सकते हैं, ए एक्स प्लस भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री तो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से ज़्यादा होती है, इसकी डिग्री टू है तो इसकी हम वन मान लेते हैं। तरीका सेम भाई, लेट रिमाइंडर इज ए एक्स प्लस बी, बाई डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोल सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। जब आप इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, p ऑफ 3 बराबर, जब आप इन्हें इस आपने इसमें x की जगह 3 रखा तो p ऑफ 3 बराबर कितना मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा और वो कितना बन जाएगा, 3a प्लस बी, वो कितना बन जाएगा, 3a प्लस बी। जब आप x की जगह 5 रखेंगे तो p ऑफ 5a प्लस बी। और p ऑफ 3 एंड p ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास है क्या, p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 5, तो इसकी जगह क्या रखा जा सकता है, 5 और यहाँ 3।
वापस से आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन है 5a प्लस बी बराबर 3 और दूसरी है 3a प्लस बी बराबर 5। सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ कितना बचेगा 2a, बी से बी कैंसिल और यहाँ कितना जाएगा माइनस 2, तो 2a बराबर माइनस 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। और ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में आप ए की वैल्यू रखेंगे माइनस 1 तो कितना जाएगा यहाँ से 3 इंटू माइनस 1 प्लस बी बराबर 5, तो बी की वैल्यू 8। कहने का मतलब जो रिमाइंडर होगा वो कितना जाएगा ए एक्स प्लस बी या माइनस एक्स प्लस 8 या माइनस एक्स प्लस 8, सही है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब भी हम इसको इस टाइप से डील कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास डिवाइजर जो था वह क्यूबिक होता, सपोज मान लो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 लिखा होता, तो अगर यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है तो आप रिमाइंडर क्या मान लोगे इस केस में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एक बार एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख देते हैं ना, कुछ ऐसा एग्जांपल लेंगे जो सॉल्व हो सके, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो आप एक बार एक्स की जगह 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार माइनस 1 रख दोगे। इस टाइप से आपके पास ए बी सी में 3 इक्वेशन आ जाएगी जिसको सिंप्लीफाई करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा सा हमने देखा है कि एक्चुअल में होता क्या है, इसी को थोड़ा और कंटिन्यू करके और फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।